नमस्ते स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में मैं हूं पढ़ने का एक प्री स्कूल टीचर और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैं तब से वीडियोस बना रही हूं जब मेरी बेटी तीन साल की थी एंड नाउ शी इज एट इयर्स ओल्ड सो फोर एंड हाफ या फाइव ईयर्स से आप मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं मैं ये क्यों बता रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी एक से तीन चार पाँच छः साल तक के बच्चों के लिए बुक रिकमेंडेशन के वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने स्टोरी बुक्स या फिर पढ़ाई की बुक्स रिकमेंड करी हैं वीडियोस आप आई बटन में जाके देख सकते हैं और आज भी मेरा वीडियो बुक रेकमेंडेशन पे है बट क्योंकि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो ये रेकमेंडेशंस हैं करीब सात से लेके दस साल तक के बच्चों के लिए ये करीब एट टू नाइन बुक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं ज्यादातर एक दो मराठी और हिंदी भी हैं चलिए एक एक करके मैं ये बुक आपको दिखाती हूँ और अपना परसपेक्टिव शेयर करती हूँ इन बुक्स के बारे में सबसे पहले है मेरे पास ये होल बुक्स की तीन बुक्स नाउ वाई होल बुक्स बिकॉज इन बुक्स में होल होता है यू नो आई डोंट नो लाइक फॉर वॉट रीजन इट इज पहले मुझे लगा कि बुक के कॉन्टेंट से रिलेटेड होगा बट नो इट्स नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टेंट जस्ट अ डखिल होल करके ये पब्लिकेशन है तो शायद इन्होंने इसी लिए होल बना दिया है होल बुक्स के लिए तो ये तीन बुक्स हैं मेरे पास पी नट हैज अ प्लान बोंकर्स एंड टूथ ट्रबल्स एक और बुक है मेरे पास इस सीरीज़ की जो मुझे मिल नहीं रही है पेटू पंपकिन नाउ इनके राइटर्स अलग अलग होते हैं बट दे आर एक्सट्रीमली लाइक फेमस वर्सटाइल राइटर्स जो बच्चों के लिए बहुत सी स्टोरी बुक्स लिख लिख चुके हैं सो so, इस बुक का अरुंधति वें, वेंकटेश हैं इस बुक के हैं यशोधरा लाल एंड द राइटर फॉर दिस बुक इज़ नताशा शर्मा अब बात करते हैं कि आपका बच्चा अगर सात साल का है तो ये बुक्स खुद से रीड कर पाएगा मे बी यस ठीक है बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट यू नो रीडिंग प्रोफिशेंसी लेवल मेरी आठ साल की बेटी नाइन्टी uh, परसेंट ये बुक खुद से रीड कर लेती है इसकी इंग्लिश सुपर सिंपल है ईज़ी टू अंडरस्टैंड है बहुत हाई फाई लाइन्स नहीं यूज हैं यू नो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं यूज़ की गई है तो एंड अ कॉमन लाइक एंड एवरेज इंडियन बच्चा अगर नहीं भी पढ़ पा रहा है अगर आप उसको पढ़ के सुना रहे हो तो भी उसको समझ आएगा ज़्यादातर आपको उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा सी एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड क्या चैलेंज होता है कि ये इंग्लिश में बुक है मैंने पूरी पूरी बुक ऐसे पढ़नी शुरू कर दी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है एक सात साल आठ साल के या छः साल के बच्चे को तो आपको ट्रांसलेट कर करके उसका मीनिंग बताना पड़ता है राइट तो डिपेंड uh, करता है मेरी बेटी को ज़्यादातर खुद से समझ आ गई मुझे उसको मीनिंग नहीं बताना पड़ा एंड वो पढ़ भी लेती है ये बुक्स ये बुक्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि uh, क्योंकि इंडियन राइटर्स हैं तो जो भी डेली की चीज़ें मेंशन होती है वो सब उन सबसे बच्चा रिलेट कर सकता है सी अगर आपका बच्चा स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो कई बार एक बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चा स्टोरी से रिलेट नहीं कर पा रहा है जो कि ज़्यादातर फॉरेन राइटर्स के बुक्स के साथ देखा जाता है उनके टर्मिनोलॉजी या उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे अपने इंडियन बच्चे जल्दी रिलेट नहीं कर पाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन पीनट हैज़ अ प्लान तो इसमें एक छोटी बच्ची की स्टोरी है एंड जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आ, उसकी मम्मी जॉब पर जाती है तो उसको कुछ करना है मतलब पैसे कमाने हैं जिससे वो आ, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सके और उसके दो छोटे भाई भी हैं तो अब जैसे इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो ये है कि आंटी की जगह मासी घर लाइक मासी केम टू होम ठीक है तो जैसे आंट या अंकल हमेशा यूज करते हैं तो हमारे घर में क्या होता है हम इंडियन फैमिलीज में चाहे किसी भी लोकल लैंग्वेज ले लीजिए तो बुआ कहेंगे या मराठी में आत्या कहेंगे राइट तो इन बुक्स में वो इंडियन टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई है जिससे बच्चा रिलेट कर पाता है इन बुक्स में बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर्स नहीं मिलेंगे मतलब थोड़े पिक्चर्स हैं एक पेज पे एक या दो पिक्चर्स हैं बट ये जो सिंपल से पिक्चर्स हैं ना ये भी आ, मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज़ जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिस तरीके का बना रहता है यू नो एक्शन बने रहते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते, है, लगते हैं बच्चों को कैप्टिवेटिंग लगते हैं आई रियली लाइक होल बुक्स अभी मेरे पास तीन बुक्स हैं आई एम थिंकिंग ऑफ परचेजिंग मोर बुक्स नाउ सेकेंड बुक इज दिस दिस इज़ माई स्कोलास्टिक पब्लिकेशन एक कैरेक्टर है जर जरानिमोस टिल्टन एंड उसी की ही सारी मतलब काफ़ी सारी बुक्स हैं तो जेरोनिमो स्टिल्टन एंड ये टाइटल अलग हो जाएगा स्टोरी अलग हो जाएगी बट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट हर बुक में सेम रहते हैं ओके ना ये मेरी बेटी की एब्सोल्यूट फेवरेट है मतलब अगर उसका बस चले तो इसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़े बट मुझे बहुत खास नहीं लगती हैं ये बुक्स एंड आई टेल यू द रीज़न वाई नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बुक्स हैं मतलब ये जेरोनिमो एक माउस है एक चूहा है एंड ये एक न्यूज़ पेपर का एडिटर है लाइक like, एंड जो इसके साथ जो सिचुएशन होती है वो ये बुक्स उन पर बेस्ड होती है तो कभी वो एक हॉन्टेड सो कॉल्ड हॉन्टेड कैसल में फंसता है कभी वो एक सुपर शेफ़ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेता है अपने कज़न्स की वजह से तो uh, मोर और लेस जो स्टोरी लाइन होता है ना वो सेम होता है तो अगर बच्चे ने एक या दो या तीन बुक्स पढ़ ली तो आप समझ जाओ कि कुछ नया नहीं मिलने वाला है उसकी बाकी बुक्स में भी स्टोरी लाइन इज ऑलमोस्ट द सेम हमेशा ये जो मेन कैरेक्टर है जेरोनिमो वो किसी ना किसी ट्रबल में फंसता है एंड उस ट्रबल से अपने आप अचानक से अजीब तरीके से बाहर आ जाता है सो दैट्स वाई दैट्स द रीज़न बिकॉज थोड़े टाइम बाद बादनाटनस हो जाता है तो मुझे इतना पसंद नहीं है एंड रीडिंग लेवल की बात करूँ तो uh, as, like लाइक daughter is इन क्लास थर्ड एट years की है एंड अगेन लाइक सेवेंटी परसेंट टू एटी परसेंट वो खुद ये बुक्स पढ़ लेती है बट येस yes, पढ़ना अलग होता है कॉम्प्रिहेंशन अलग होता है तो मुझे वापस से रीड अलाउड करना पड़ता है उसको समझाने के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसको समझ नहीं आता है द रीज़न इज़ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनकी इंग्लिश का लेवल थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज इंडियन राइटर्स नहीं है क्वालिटी ऑफ द बुक इज़ गुड अच्छे पेजेस हैं लाइक थिक पेजेस हैं एंड कलर्ड होते हैं लाइक like इनकी जो प्रिंटिंग है वो कलर्ड है तो बच्चे को देखने में अच्छा लगता है ऑल एंड ऑल अगर आपके बच्चे को फिक्शन पसंद है तो आप ये बुक्स ट्राई uh, कर सकते हैं अभी तक uh, मैंने आपको ये जो uh, बुक्स दिखाई हैं होल बुक्स और ये जेरोनिमो स्टिल्टन ये दोनों मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करी थी अगर मुझे ऑनलाइन इनके बाइंग लिंक्स मिलते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अदरवाइज जेरोनिमो स्टिल्टन uh, तो आपको क्रॉसवर्ड जो बुक uh, चेन है वहाँ पर आराम से मिल जाएगी एंड ये होल बुक्स भी आपको लोकल सेलर्स के पास मिल जाएंगी नाउ कमिंग ऑन टू टू मराठी स्टोरी बुक्स नाउ दिस वन इज़ वेरी सिंपल लाइक वेरी वेरी सिंपल ये मराठी की uh, एक एक दो दो तीन तीन लाइन है एंड ये पिक्चर है सो दिस इज टके थे दस uh, मुझे मराठी बोलनी नहीं आती है बिकॉज आई एम ए नॉर्थ इंडियन बट आई बीन लिविंग इन पुणे फॉर पास्ट टेन ईयर्स मेरी बेटी के स्कूल में भी मराठी है तो मुझे थोड़ा सा उसकी मराठी का भी ध्यान रखना पड़ता है तो मैं बहुत ही सिंपल इस तरीके की बुक्स लेती हूँ जिससे जब वो मराठी वो जो अब सीखना शुरू कर रही है इन स्कूल एज अ लैंग्वेज तो उसको ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे तो मैं बहुत ही सिंपल स्टोरी बुक्स उसके लिए लेती हूँ ये बुक एक पब्लिकेशंस की है फिफ्टी रुपीज़ की है द सेकेंड वन इज़ बाय प्रथम बुक्स प्रथम पब्लिकेशंस ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है तो उनकी बुक्स तो आपको बहुत लैंग्वेज में मिल जाएंगी एंड ईज़ली uh, मतलब वो डिलीवरी कर देते हैं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में डिलीवर करते हैं रीजनेबल होती है दिस बुक इज़ फॉर सिक्सटी फाइव मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी सिंपल बुक्स हैं वो चूज़ करने पे हैं इनकी हर लेवल की बुक्स होती है बट ये मैंने बहुत ही सिंपल सी ये वाली नदी वर करके है बुक मैंने ये चूज़ करी थी एक पेज पे एक ही लाइन है एंड पिक्चर्स एलस्ट्रेशन बहुत अच्छे लगे थे मुझे एंड ये बुक्स वो खुद भी पढ़ लेती है नहीं तो वो अपने पापा के साथ बैठ के पढ़ती है बिकॉज अगेन लाइक मराठी पढ़ाना इज हिज जॉब कमिंग ऑन टू अनदर वेरी गुड बुक एंड दिस इज़ बाय दे फेमस सुधा मूर्ति जी सो उनकी बच्चों के लिए बुक्स आती हैं एंड दिस इज ग्रैंड मार्स बैग ऑफ स्टोरीज नाउ ये बुक मैं एज अ रीड अलाउड ही यूज़ करती हूँ यानी मैं पढ़ती हूँ और वो सुनती है वो पढ़ भी अगर ये बुक ले तो बिकॉज uh, इस पे ना इलस्... ये बुक पे इलस्ट्रेशन नहीं है पिक्चर्स नहीं है फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है तो करीब आठ साल के बच्चे का इतना इंटरेस्ट नहीं आता है ऐसे बुक पढ़ने के लिए इलस्ट्रेशन हैं भी तो बीच बीच में बहुत थोड़े मतलब पाँच छः दस पेजेस के बाद कुछ एक आधी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी बट डेफिनेटली स्टोरीज बहुत कैप्टिवेटिंग है इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं बच्चे को तो मज़ा आएगी आपको भी मज़ा आने वाली है इस बुक की स्टोरीज पढ़ने में सो आई डेफिनेटली रिकमेंडेड एंड द लास्ट वन इज़ बाई मेपल प्रेस फेमस इलेस्ट्रेटेड टेल्स ऑफ रबींद्राथ टैगोर रबींद्रनाथ टैगोर जी की स्टोरीज़ uh, तो लाइक like, उनको तो कोई कही नहीं सकता कि अच्छी नहीं है राइट right? स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं एंड डेफिनेटली फॉर अ सेवन टू टेन ईयर ओल्ड मैं इसको रिकमेंड करूँगी बच्चे खुद से भी पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें लाइक पिक्चर्स भी हैं फोन साइज बड़ा है एंड मेपल प्रेस की ज़्यादा महंगी भी नाइन्टी फाइव रुपीज़ की बुक है बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि uh, ये अगर आपका बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है ठीक है तो फिर थोड़ा सा आपको उसके साथ बैठ के आराम से ये बुक या इसकी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी ठीक इस बुक में कितनी स्टोरीज़ है? स्टोरी हैं थर्टीन स्टोरीज़ हैं जिनमें से मैंने अपनी बेटी के साथ दो स्टोरीज़ भी अभी तक पढ़ी हैं एंड ये टेंथ नंबर की स्टोरी है द कास्ट अवे करके जब मैंने ये स्टोरी उसके साथ पढ़ी सो लाइक वैन द स्टोरी फिनिश्ड माई डॉटर स्टार्ट क्राइंग एंड मतलब गले लग के ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी सो so, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि लाइक like, वो थोड़ी सेंसिटिव है तो उसको मतलब uh, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा उसके ऊपर uh, तो इसीलिए मैंने बाकी की स्टोरीज़ अभी नहीं पढ़ी हैं मे बी शायद वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी लाइक नाइन इयर्स और मे बी टेन इयर्स तब मैं उसके साथ ये स्टोरी पढ़ूँगी बट डेफिनेटली आई वुड जस्ट से दैट अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है तो आपको समय देकर उसके साथ ये स्टोरी बुक्स की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हैं अदरवाइज अ वेरी गुड बुक आई रिकमेंड दिस ऑल्सो सो दीज वो बुक रिकमेंडेशन एज आईव ऑलरेडी सेड मैंने पहले भी छोटे बच्चों के लिए भी स्टोरी बुक रिकमेंडेशन के वीडियोज़ बनाए हैं प्लीज़ आप लिंक से जाके देख लीजिएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ ही में ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरे एर्थ ऑफ जुलाई से बच्चों के ऑनलाइन इंग्लिश फ़ोनिक्स के नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फ़न इंटर क्लासेस हैं बैच साइज़ छोटा है फीस नॉमिनल है, है अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मम्मी ट्यूबर इंडिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ई मेल ड्रॉप करिए एंड एडल्ट के लिए भी नाइन्थ ऑफ जुलाई से एक टीचर ट्रेनिंग बोल सकते हैं या वर्कशॉप बोल सकते हैं वो स्टार्ट होने वाला है तो अगर आप एक पेरेंट हैं जो फोनिक सीखना चाहते हैं और ख़ुद अपने बच्चे को घर पर पढ़ाना चाहते हैं कोई क्लासेज नहीं लगवाना चाहते है. या फिर अगर आप एक प्री स्कूल टीचर हैं जो सैलरी uh, इन्हांसमेंट चाहते हैं या अपने स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं स्विच करना चाहते हैं इन बेटर स्कूल्स बिग स्कूल्स तो आपके लिए है या फिर अगर आप अपने ट्यूशन्स खोलना चाहते हैं फोनिक ट्यूशन्स तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं इट इज़ अ सर्टिफाइड प्रोग्राम डिटेल्स जानने के लिए मम्मी ट्यूबर इंडिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ई मेल ड्रॉप करिए इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए आप कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए लाइक करिए शेयर करिए क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोज़ पर इंटरैक्शन होता है कॉमेंट्स होते हैं लाइक्स होते हैं या डिसलाइक्स भी होते हैं तो YouTube का एल्गोरथम ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है और कौन नहीं चाहता कि उसके वीडियोस प्रमोट हों राइट देखते रहिए मम यूट्यूबर नमस्ते